आज उनकी जानिब से यही जो पैगाम है ये दिया गया है कि खासकर जो बीमार अफराद हैं, वो अफराद जो कि मंसियात के आदि हैं, जिनको कोई नहीं अपनाता, तो उनको जो है पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ये अपनाएगी, उनके लिए सहूलियात फ्राहम करेंगी, और खासकर जो जहनी मजदूर अफराद हैं जिनको अपने घरों में कोई नहीं रख रहा, तो इसी हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था कि ये बहुत अहम दौरा है और ये बहुत अहम जी। बिलाल चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद थे, खातून अव्वल की मसरूफियात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। खातून अव्वल ने मेंटल अस्पताल का दौरा किया है और वहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया है। साइकोलॉजिकल द फर्स्ट थिंग इज दैट वी टेक फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके लिए वी हैव सेल, दिस इज 100-bedded फैसिलिटी जो कि 2019 में कमीशन हुई। इसमें हमारे पास 12 सेल्स हैं, यहाँ पे इनिशियल 40 डेज डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम पेशेंट्स को रखते हैं, अलॉन्ग उनके रिलेटिव को भी यहाँ पे एक्सेस होती है, सो दैट वहाँ पे एक उनको सोशल सपोर्ट हो। यहाँ पे डॉक्टर्स उनकी भी ट्रीटमेंट करते हैं और रिलेटिव्स की काउंसलिंग करते हैं, और यहाँ पे जब वो क्लियर होते हैं तो देन वी हैव वेरियस वार्ड्स, उन वार्ड में उनको ले जाया जाता है। तो ये मैडम आपको हम किचन भी दिखाएंगे, इनके 3 रेगुलर मील्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री मील्स हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो वहाँ पे हम इनको एक सेपरेट एडिशनल डाइट भी देते हैं, वो मैडम आपको जाएंगे हम इंशाल्लाह उसके बाद। हाँ आप मैडम, ये सब आपको पहला ये दिखाना था, दिस इज़ एन जो इनिशियल ट्रीटमेंट जो एडिक्ट का हम करते हैं, तो दिस इज एरिया, ये हमारा नर्सिंग एरिया है, यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है, और सिर्फ फॉर 3 डेज दे आर अराउंड, दे आर टेकन केयर ऑफ, और यहाँ पे क्योंकि वो वायलेंट होते हैं तो दैट इज़ द रीज़न हमने थोड़ा फेंस के पीछे रखा। अब मैडम हम आपको दिखाते हैं दूसरा एरिया। मेंटल अस्पताल के हुकाम और खातून अव्वल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो आपने मुलाहिज़ा की, हुकाम की जानिब से इदारे के खदोहाल के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया और किस तरह से सहूलियात फराहम की जाती हैं उस हवाले से भी खातून अव्वल को आगाह किया गया, और खातून अव्वल की जानिब से खाने के हवाले से भी दरियाफ्त किया गया और उनको किचन का भी दौरा कराया गया है, और जो इंतजामात हैं उन्होंने तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया और इन इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं। जी कोई हम टेबल कवर्स वगैरह बनवा लेते हैं, इसके अलावा ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास चूँकि ये स्टेबल होती हैं तो इसलिए ये बड़े अरसे से हमारे पास हैं, ये इनके घर वाले लेने नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा हमने इनको अपना एक अलहदा उनको दिया हुआ है कमरा। इनको पेशेंट हमारी जो है जी, अगर आप उनसे कोई बात करना चाहती हैं या जी हम एक कमरे में बैठते हैं फिर जी आए डॉक्टर से ट्रीट करते ही हैं, उसके अलावा हमारे पास एक पूरी टीम होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि वो सारा जो है ना इनको सारी इनकी वो करती हैं असेसमेंट वगैरह और इनको मोटिवेट करने के लिए। खाना वगैरह खाना हो तो डाइनिंग हॉल में, अच्छा ठीक है, डाइनिंग हॉल अलहदा से होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास ब्रेकफास्ट होता है, एक हमारा 10 बजे के करीब फ्रूट आता है हमारे पास, लंच हमारा अराउंड 1 आता है, फिर उसके बाद चाय होती है शाम की 4 बजे, फिर उसके बाद हमारा डिनर होता है अराउंड 7। जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कप भी नहीं पकड़ सकते जी, जो पेशेंट मूव नहीं कर सकती उनको हमारी अटेंडेंट जो है ना बेड पे जाके खिलाती हैं। खातून अव्वल को तफसीलन ब्रीफिंग दी गई है स्टाफ की जानिब से, मरीजों को पेश आने वाली दुश्वारियों का भी जिक्र किया गया है, मेंटल अस्पताल का दौरा किया है खातून अव्वल ने, उनकी दस्तराज फराखान भी उनके साथ मौजूद हैं, पिसे हुए तबके का गम बांटने में खातून अव्वल हमेशा पेश रही हैं, अवामी खिदमत को उन्होंने अपना मिशन बना रखा है, और उनकी जानिब से आज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया गया, उन्होंने वहां पर तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया, इंतजामिया की जानिब से उनको इदारे के खदोहाल के हवाले से भी ब्रीफ किया गया, उन्होंने वहाँ पर पौधा भी लगाया और किस तरह से इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है मरीजों को इस हवाले से भी उनको ब्रीफ किया गया, उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की, उनकी तीमारदारी की, उनका गम बांटा, और हुकाम की जानिब से तमाम इदारे के तमाम शोबों का उनको दौरा कराया गया और मुख्तलिफ हिस्सों में वो गईं और उनको तफसीलन ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से, उन्होंने खाने के हवाले से खातून अव्वल बुशरा इमरान का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का दौरा। खातून अव्वल ने मेंटल अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया, खातून अव्वल को इदारे के खदुहाल और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी जा रही है, फराखान भी फलाही कामों में खातून अव्वल के शाना बिशाना हैं, पिसे हुए तबके का गम बांटने के लिए खातून अव्वल हमेशा पेश हैं, और इंसानियत एहसास और फलाही खिदमत की पैकर खातून अव्वल के बेशुमार इकदाम हैं, खातून अव्वल के समाजी और फलाही इकदाम की
दुनिया भर में गूंज है और बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, जी बिल्कुल, खातून अव्वल इसरा बीबी जो है कुछ देर कबल जो इंसानी इमराज का हॉस्पिटल है, ज़हनी इमराज का हॉस्पिटल यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन का जो है वो दौरा कर रही हैं। खातून अव्वल इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में कायम पनागाहों, लंगर खानों, दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंतजामात में नुमाया बेहतरी के लिए जो है वो कोशा रही हैं और खिदमत खल्क के इस सफ़र में उनकी दस्ते रास जो फराह खान है वो भी हमेशा से साथ ही दिखाई देती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया सियासत से दूर और समाजी सरगर्मियों में हमेशा दिलो जान से शरीक हैं और खातून अव्वल गरीबों, मस्कीनों और मोहताजों के लिए दर्द दिल रखने वाली खातून है। जब भी मौका मिला उन्होंने माशरे के पसे हुए तबके का दर्द बांटने का जो है उसके बांटने की कोशिश की और सितम्बर 2018 में ये पहला कदम उनकी जानिब से सामने आया था जब उन्होंने एक निजी टीवी के को अपने इंटरव्यू में जो है खातून अव्वल ने अपने जज्बात का जो है वो इजहार करते हुए कहा था कि पहले इबादत उनकी तरजीहात में शामिल थी लेकिन इमरान खान से मिलने के बाद ये बात सीखी कि इबादत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी बहुत ज़रूरी है। 23 सितंबर 2018 को खातून अव्वल ने लाहौर में ओल्ड एज होम का दौरा किया। उन्होंने बेआसरा बुजुर्ग और अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए और फिर उस पर अमल दरामद होता भी दिखाई दिया। और 10 मार्च 2019 को वज़ीर आज़म की अहलिया ने लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल गई, फाउंटेन हाउस गई और दारुल शफकत का दौरा किया। फाउंटेन हाउस में उन्होंने बेसहारा खवातीन और जो बच्चे थे उनसे मुलाकात की, उनको जो है उनके साथ जो उनके मसाइल थे फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए गए, उनको बच्चों को जो है तोहफे तहाइब भी तकसीम किए गए। माजी में कई बार अफराद को देखा कि आला मनसब मिले और मगर उन्होंने कभी इंसानियत खिदमत को, इंसानियत की जो खिदमत है उसको अपना नस्बुल ऐन नहीं बनाया था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी ने पहली बार अवामी खिदमत की रवायत डाली और अपने इस मिशन को ज़िंदगी का भरपूर ज़िंदगी में भरपूर तरीके से जारी रखने का अज़्म किया हुआ है। यही मामला है कि आज वो जो है यहाँ पर मेंटल हस्पताल जो है वहाँ का दौरा कर रही हैं और मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा किया जा रहा है और वहाँ पर जो दीगर सेक्शन बनाए गए हैं उनको हदायत जारी की गई हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद खवातीन से मुलाकात भी कर रही हैं ताकि मामला को मज़ीद से बेहतर बनाया जा सके। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का दौरा। खातून अव्वल ने मेंटल अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। खातून अव्वल को इदारे के हदुहाल और सहूलियात के बारे में बताया जा रहा है और खातून अव्वल के दस्ते रास फराखान भी फलाही कामों में खातून अव्वल के शाना बशाना है। इंसानियत एहसास और फलाही खिदमत की पैकर खातून अव्वल के बेशुमार इकदाम हैं। उनके ना सिर्फ इकदाम की पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में गूंज है। खातून अव्वल दुखी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए खुद मैदान अमल में हैं। वो पहली ऐसी खातून अव्वल हैं जो फलाही इकदाम में इस कदर दिलचस्पी रखती हैं।